हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूँ एकदम फर्स्ट क्लास होगे, स्वस्थ और मस्त होगे। आज बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 7 का एक चैप्टर है, ट्रायंगल। ज्योमेट्री का है। ज्योमेट्री बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल वैसे भी लगती है, इसलिए मैंने सोचा कि क्लास 7 के बच्चों की कुछ हेल्प की जाए, यानी कुछ उनको रिवीजन कराया जाए इस वीडियो में। ठीक है, तो ट्रायंगल जो चैप्टर है उसके बारे में हम बताएंगे। जो भी आपके चैप्टर में दे रखा है उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स पर हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा फोकस करेंगे और एक आध हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो बच्चों ज्योमेट्री वैसे बच्चों को मुश्किल लगती है, लेकिन इतनी मुश्किल है नहीं अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है। तो जैसे अब ज्योमेट्री बेसिकली शुरू कहाँ से होती है कि पॉइंट से शुरू होती है, कि पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, रे हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, एंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंगल्स हो गए और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल्स हो गए। तो हम ट्रायंगल्स पर ही फिलहाल में हैं, तो ट्रायंगल्स जो हमने लिख रखा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रायंगल, यानी पहले ट्रायंगल जाने और फिर ट्रायंगल की क्या होती है कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो हम सारे अवेयर हैं कि ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, कि एक ऐसा फिगर जो कि 3 साइड से इनक्लोज्ड है उसको हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, हमने क्या बनाया कि एक ट्रायंगल बनाया इस तरीके से। ये भी ये एक ट्रायंगल है, ए बी सी इसका नाम है। मान लो कि इस तरीके का ट्रायंगल बना लिया, तो ये भी मान लो बिना नेमिंग के कुछ है नहीं, इसका नाम हमने पी क्यू आर डाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके का ट्रायंगल बना लिया। तो वराइटी ऑफ ट्रायंगल्स, यू आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट द ट्रायंगल, व्हाट इज द ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल में 3 साइडें हैं, 3 इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो एक ऐसा फिगर जिसमें कि क्या है कि 3 साइडें हैं, 3 इंटीरियर है, यानी 3 साइडों से इनक्लोज जो फिगर होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो यानी अ फिगर विच इज इनक्लोज्ड बाय 3 साइड्स इज सेड टू बी ट्रायंगल। अब बच्चे इस ट्रायंगल में ये 3 क्या हैं, वर्टिसेस हैं, ये 3 क्या है, इसके एंगल्स हैं। तो इन्हीं एंगल्स और इन्हीं साइड्स में क्या होगा कि हम काफी कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं और फिर हम आगे की तरफ चलते हैं कि क्या हमारे चैप्टर में होगा। ये भी चैप्टर का पार्ट है, ऐसा नहीं कि ये चैप्टर का पार्ट नहीं है। तो ट्रायंगल सभी, अगर ट्रायंगल हमें पता ही नहीं होगा तो ट्रायंगल के बारे में फिर हम पढ़ेंगे कैसे। तो ट्रायंगल क्या है कि एक 3 साइड से घिरा हुआ एक डायग्राम है जिसको हम ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, और आगे की क्लास में जाएंगे तो हम और आगे इसमें कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कि एक मीडियन जो है वो वर्ड इसमें इस्तेमाल हुआ कि व्हाट इज द मीडियन, यानी मीडियन क्या होता है। तो बहुत सिंपल सा है मीडियन, कि ये एक ट्रायंगल बनाया हमने, किसी भी टाइप का आप ट्रायंगल बना लें। मान लो कि इसका नाम डाल लिया मैंने ए बी सी, तो मीडियन क्या होगा बच्चे, कि जो एक ऐसी लाइन जो कि एक अपोजिट वर्टेक्स से चलेगी और किस लाइन के मिड पॉइंट पर मिलेगी तो उसको हम मीडियन कहेंगे। मान लो यहाँ पर क्या है कि ए डी, अगर डी एक मिड पॉइंट है तो ए डी एक मीडियन है। क्या कह रहा हूँ कि इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी देन ए डी इज द मीडियन। ठीक, अगर मैं मान लो कि मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, एफ लिख लिया या ई लिख लिया, तो यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दिया, अगर ई एक मिड पॉइंट है ए सी का तो बी क्या है, एक मीडियन है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो कि एक वर्टेक्स से चलती है और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट में जो लाइन मिलती है उसको भी हम मीडियन कहते हैं। ऐसे भी हम इसकी डेफिनेशन जान सकते हैं। यहाँ से इस तरीके से इसे ज्वाइन कर दिया, ई एफ लिख दिया, तो इस डायग्राम में क्या है कि ए डी, ए डी ये एक हो गया, बी ई और तीसरा क्या है कि सी एफ आर मीडियंस। ये क्या है, हमारे मीडियंस हैं। और मीडियन मैंने आपको बताया क्या होता है कि मीडियन क्यों है, ये मीडियन क्योंकि डी इज, डी लिख लेते हैं फिर इसके बाद और आगे वाला लिख लेते हैं कि डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स। क्या है, मिड पॉइंट्स। ठीक है, डी किसका मिड पॉइंट, डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी, ठीक है, और ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली।
तो मैं जो कह रहा हूं वो आप समझे कि मीडियन होता क्या है कि एक वर्टेक्स से जो लाइन सामने वाले के लाइन पर मिड पॉइंट पर मिलती है तो उस लाइन को हम मीडियन कहते हैं। तो मैं कह रहा हूं आपसे डी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, द मिड पॉइंट ऑफ ए सी या फिर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इफ डी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी देन ए डी द मीडियन, इफ ई द मिड पॉइंट ऑफ ए सी देन बी द मीडियन, इफ एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी देन सी एफ इज द मीडियन। बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं बच्चों मीडियन में, लेकिन हमारे यहाँ जो सिलेबस में है आप उस उतने पर ही रहिए। मतलब मीडियंस एक दूसरे को 2:2 बन के रेशियो में इंटरसेक्ट करते हैं। इसको हम हमेशा जी से डिनोट करते हैं। जब आप बड़ी क्लास में पहुंच जाएंगे तो इसके बारे में बहुत डिटेल्ड में बताया जाएगा। तो मीडियन मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। एक ट्रायंगल में बच्चे तीन ही मीडियन ड्रॉ किए जा सकते हैं। एक ट्रायंगल में कितने मीडियन ड्रॉ किए जा सकते हैं? तीन मीडियन ड्रॉ किए जा सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि बच्चा सोचता है कि एक जैसे हमने क्या किया कि एक ट्रायंगल बनाया और ट्रायंगल में मान लो कि ये ट्रायंगल इस तरीके का बनाया, ठीक है, तो फट से मीडियन ऐसे बना लेगा। दैट इज नॉट ए मीडियन। मीडियन क्या होगा? इस साइड का मिड पॉइंट। तो ये मीडियन होगा इसका, ठीक है, ये वाला मीडियन हो सकता है। इसके मिड पॉइंट पर जाए, इसके मिड पॉइंट पर जाए, तो ये मीडियन हो सकता है। तो ये मीडियंस है, ठीक है, इतना ही है सिलेबस में। और आगे जहाँ कहीं पर भी आएगा मैं हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इसमें हमें क्या कराना है, थोड़ा सा रिवीजन कराना है। मीडियन के बाद बच्चों क्या होता है कि अल्टीट्यूड क्या होता है भाई? अल्टीट्यूड भाई, एक ट्रायंगल बनाया, फिर मान लो कि हमने इस तरीके से ऐसा बना लिया, थोड़ा टेढ़ा बना लिया, सीधा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम मान लो कि ए बी सी डाल लिया, क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की, और इस साइड पे अगर 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो ये साइड इस गई अल्टीट्यूड हो गई, यानी ए डी, ए डी क्या हो गई, ए डी इज अल्टीट्यूड, ए डी इज अल्टीट्यूड टू बी सी। अगर मैथमेटिकल भाषा में लिखें तो क्या हो जाएगा, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, या फिर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, कितना बन गया ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो एक ट्रायंगल में तीन अल्टीट्यूड्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है, ये अल्टीट्यूड हो गया, ऐसे ही इस पे भी अल्टीट्यूड, ये 90 डिग्री का, ठीक। अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप अल्टीट्यूड बनाओगे तो वो क्या होगा कि इन दो ट्रायंगल्स को कांग्रेंट पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर एक आइसोसेलेस वो इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर एक अल्टीट्यूड बनाओगे तो इसमें मान लो ये तीन अल्टीट्यूड बनाए तो तीनों अल्टीट्यूड्स क्या होंगे बच्चे, इक्वल अल्टीट्यूड्स होंगे, ठीक है। तो अल्टीट्यूड क्या होता है कि एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो अपोजिट वाली साइड पर परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं, अल्टीट्यूड कहते हैं। अब अच्छे अल्टीट्यूड ड्रॉ कैसे होता है ये हमारे सिलेबस में यहाँ पर नहीं है, क्लास 7th में आगे आएगा, हम आपको क्या करेंगे वहां पर बताएंगे इस अल्टीट्यूड को कि कैसे बनाया जाता है ये अल्टीट्यूड, एक ट्रायंगल में मीडियन कैसे बनाया जाता है ये भी बताएंगे, ओके। तो बिफोर फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट द नेक्स्ट कंसेप्ट। आप देखो बच्चे कि हमने क्या लिख लिया कि ये मीडियन था और अल्टीट्यूड था। अब एक एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, क्या लिखूं कि एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी एक्सटीरियर एंगल क्या होता है और फिर उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। हमने क्या लिखा कि एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक। तो हम पहले जाने के एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। सपोज करो कि हमने ये एक ट्रायंगल बनाया और इस ट्रायंगल में क्या है कि ये एक एक्सटीरियर एंगल है, ठीक। ऐसे अगर इस लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये एक एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। अगर इस लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये एक एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इन तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम करोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री के, यानी एक ट्रायंगल में तीन एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं और उन तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 360 के इक्वल हुआ करता है। लेकिन हमारे पास इस प्रॉपर्टी से ज्यादा क्या है कि एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल क्या हुआ करती है। तो हमने क्या किया कि एक ट्रायंगल और बनाया, सपोज कर लो कि ये बनाया ऐसे, इसका नाम डाल लिया एबीसी, ठीक है, और क्या किया कि इस ट्रायंगल का ए यहां पे डी और लिख लिया। तो ये एंगल एसीडी, एंगल एसीडी इज ए एक्सटीरियर एंगल, ये क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल एसीडी बच्चे किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। इसको पूरा ना रिप्रेजेंट करके इस तरीके से मैंने मान लो लिख लिया। तो एंगल ये एसीडी बराबर किसके होगा, एक्स प्लस वाई के, यानी एंगल एक्स प्लस एंगल वाई। तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल कहेंगे, ठीक है ना। मान लो कि एक ये वाला एक और ट्रायंगल हमने यहाँ पर बना लिया, और इस ट्रायंगल में सपोज करो कि इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, और इसका ये एक्स है, और ये मेरे पास कितना दे रखा, 40 दे रखा है, और ये मान लिया कि 50 दे रखा है। तो मैंने कहा वैल्यू ऑफ एक्स बताइए आप, तो एंगल एक्स बराबर किसके हो जाएगा, 50 प्लस 40 के ये इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल एक्स किसके इक्वल हो गया, 90 डिग्री के इक्वल हो गया, ठीक है। अगर मान लो कि मैंने एक और ट्रायंगल बना लिया इस तरीके से, और क्या किया कि इधर की तरफ ऐसे बना लिया, ओके, अगर मान लो कि यहाँ पे दे रखा ये कितना दे, मान लिया हमने 30 डिग्री का मान लिया, और इसको मान लिया हमने कितने डिग्री का, 120 डिग्री का, और 120 नहीं थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 80 डिग्री लिख लिया, ठीक है, ये 80 डिग्री का मान लिया। अब मैंने कहा कि इसकी वैल्यू बताओ आप, तो आप क्या करोगे कि इसमें से इसको माइनस कर दोगे, यानी 80 माइनस 30 कितना हो जाएगा, एक्स के बराबर, यानी ये निकल आएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये बराबर किसके, इसके प्लस इसके इक्वल है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। तो बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस हमारे बुक में दे रखे हैं इससे रिलेटेड, ठीक है ना। तो अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, मान लो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, और ये हमने क्या बना लिया, एक्सटीरियर एंगल बना लिया। अब बंदे ने क्या किया कि इसने मुझे क्या दे रखा है, कि यहाँ पे दे रखा 120, और कह रहा है कि इस एक्स की वैल्यू बताओ। तो अब आप क्या करोगे, आप कहोगे कि इन दोनों में तो कुछ दे नहीं रखा, दे रखा है बच्चे, ये कितने डिग्री का दे रखा है, 90 डिग्री का दे रखा है। तो 120 में से 90 माइनस कर दोगे, क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है, ओके, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। तो मेरे ख्याल से ये एक्सटीरियर एंगल समझ में आया होगा। फिर क्या होता है बच्चे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 380 डिग्री के इक्वल हुआ करता है। तो चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी है, तो देखते हैं अभी कि इस वीडियो में कितना हो सकता है। यहां मैंने लिखा कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल क्या है, कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। जैसे क्या है कि मान लो कि ये डायग्राम बनाया मैंने, ये एक ट्रायंगल बना लिया ए बी सी, तो ये इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका सम होता है 360 के बराबर, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। मान लो एक और हमने यहाँ पे बना लिया इस तरीके से, पी क्यू आर नाम डाल लिया इसका, और पी क्यू आर में ये क्या 60 डिग्री मान लिया, ये 50 डिग्री मान लिया, तो ये फट से निकाला जा सकता है, यानी ये एक्स है। तो इसको कैसे निकाल लोगे, कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी प्लस क्यू प्लस आर,
इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ ब्रैकेट में आप रीजन जरूर लिखोगे, क्या लिखोगे, क्यों लिखा मैंने 180, क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल है। तो पी की वैल्यू निकालनी है, वो एक्स है, ये 50 है, ये 60 है, कितनी हो गई 180 डिग्री। एक्स बराबर क्या आ जाएगा 180 माइनस, इन दोनों का सम करके इक्वल इधर ट्रांसफर कर दें तो 6 5 11, तो एक्स बराबर कितना आ गया 70 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 डिग्री, यानी पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब कभी कभी क्वेश्चंस में क्या करता है कि जो है ये वाली प्रॉपर्टी और इससे आगे वाली प्रॉपर्टी दोनों को क्या करता है कि वो मिक्सअप कर देता है, तब ये क्वेश्चन और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, है ना। तो अब चूंकि बहुत बड़ा सा कंसेप्ट है ट्रायंगल अपने आप में, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि ये जो है वीडियो बंद मान लेते हैं। इसके बाद आगे के जो कंसेप्ट्स होंगे हमारे क्या है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलिस ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम और कुछ होंगे, इसमें सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, कुछ और इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो वो सारी हम क्या करेंगे कि इस नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये जो छोटी सी बातें जो हमने बताई हैं आपको, ये क्या है कि आपको क्लियर हुई होंगी, समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करिए कि ये बात सर नहीं समझ में आई, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से बताऊंगा, ठीक है ना। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये सारी वीडियो आपको आप तक पहुँचे और आप उनको देख पाएँ और उनका बेनिफिट उठा पाएँ। थैंक यू, जय हिंद।